हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं रेणुका रावत, आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं क्वेश्चंस कवर बनाने वाली हूं। एंड ये मेरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, 24x24 का है आई थिंक। तो ऐसे मेरे पास 7 क्वेश्चन पीस है, तो मैंने सोचा है कि मैं सबके लिए कवर बनाऊंगी ताकि मेरा पूरा सेट बन जाए इसीलिए। एंड इसके लिए मैंने 2 कपड़े लिए हुए हैं। एक जो कपड़ा है मेरा वो ये है प्रिंट वाला। तो ये जो कपड़ा है ये मैं काफी टाइम पहले लेकर आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी के कुशन कवर बना दूं। तो ये कपड़ा आप देख सकते हैं, इसमें जो कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा ब्राइट हैं, रेड येलो ऑरेंज ऐसे कलर्स हैं, और जो फ्लावर का जो प्रिंट है वो भी काफी बड़ा बड़ा प्रिंट है। तो इसीलिए मैं जो कुशन्स बना रही हूँ वो पूरे प्लेन बनाऊंगी, नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे प्लेन कुशन्स बनाऊंगी, कुछ भी ऐड नहीं करूंगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत कलर्स हैं, बहुत बड़ा प्रिंट है। तो इसीलिए मैं इनको नॉर्मल प्लेन कुशन्स बनाऊंगी, इसमें कुछ भी फ्रिल वगैरह कुछ भी मतलब ऐड नहीं करूंगी, सिंपल कुशन कवर बनाऊंगी। तो ये है। एंड इसके बैक साइड के लिए मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है प्लेन क्रीम कलर का, इससे मैच करता हुआ थोड़ा। तो इसका मैं जो है वो बैक साइड बनाऊंगी, जो कुशन्स का बैक साइड होता है वो इसका ये बना दूंगी एंड फ्रंट साइड पे ये कपड़ा लगा दूंगी, ठीक है। तो ये दोनों कपड़े मैंने 5 मीटर लिए हुए हैं एंड इसके मैंने 7 कुशन कवर बनाने हैं बड़े वाले। तो इसके लिए मैंने दोनों को ये 5x5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से मेरा कुछ कपड़ा बच जाएगा दोनों में से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं कुशन कवर कैसे बनाती हूँ। एंड ये कुशन्स बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीका है, आप लोग इजीली इसको घर पे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं ये कुशन कवर कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो मेरा मेन कपड़ा है, जो फ्रंट साइड का जो कपड़ा है फ्लावर प्रिंट वाला, उसको मैं कट कर लूँगी। एंड किस हिसाब से मैं कट कर रही हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि इस कपड़े को मैंने कैसे कट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कपड़ा मैंने कट कर दिया है। तो जो मेरे कुशन्स का जो फिटिंग का कवर था वो मैंने रखा हुआ है उस कपड़े के ऊपर, एंड उसी के साइज का मैंने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है जहाँ तक मुझे कुशन चाहिए। एंड यहीं पर ही मैं स्टिचिंग भी करूँगी अपनी, और साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है 1.5 इंच का मार्जिन के लिए। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं चारों साइड से मैंने स्पेस छोड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी, एंड जहाँ पे मैंने चौक का निशान लगाया हुआ है वहाँ पे मैं स्टिचिंग करूँगी उस साइज पे जहाँ पे मेरी ये चौक के निशान है वहाँ पे। एंड उसके बाद बारी आती है बैक साइड के कपड़े की कटिंग करने की। तो ये बैक साइड का कपड़ा है कुशन कवर का, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तक इसका इतना साइज़ था तो यहाँ तक मैंने निशान लगाया। देन उसके बाद मैंने इतना कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ है क्योंकि पीछे का कपड़ा हम हमेशा बड़ा रखेंगे, एक्स्ट्रा रखेंगे थोड़ा, तो वहाँ पर। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, दो लाइन ड्रॉ करी, जो बाहर वाली है वो मार्जिन के लिए है। तो इसमें भी मैंने 1x1.5 इंच का मार्जिन रखा हुआ है चारों तरफ से। एंड जो अंदर साइड को मैंने चौक का निशान लगाया हुआ है लाइन ड्रॉ करिए, वहाँ पे मैं स्टिचिंग करूँगी, बाहर वाले पे नहीं करूँगी। बाहर वाले को मैं कट करने के लिए यूज़ करूँगी, जो बाहर वाली लाइन है उसको मैं कट कर दूँगी। तो अब मैं यहाँ पे इसको बैक साइड का जो कपड़ा है मेरा उसको कट कर रही हूँ। तो जो बाहर साइड को जो मैंने चौक का निशान बनाया था लाइन ड्रॉ करी थी उसको मैं कट करूंगी, उस हिसाब से मैं जहाँ जहाँ पे मैंने निशान लगाए थे वहाँ पे मैं इसको कट कर दूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ये बैक साइड का कपड़ा भी कट कर लिया है, तो अब हमें बैक साइड का भी कपड़ा मिल चुका है। एंड जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा हमने नीचे को रखा हुआ था उसको मैं फोल्ड कर दूँगी, जो हमने नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था इस तरीके से उसको फोल्ड कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये कपड़ा मैंने इस तरीके से कुछ फोल्ड कर दिया है। एंड अब मैं इसको यहाँ पे से मुझे कट करना पड़ेगा क्योंकि इसका इसको अलग करना पड़ेगा यहाँ पे से, तभी पीछे से ओपन हो पाएगा ताकि हम उसके अंदर अपने कुशन कवर डाल सकें। तो पीछे से ओपन करने के लिए हमें इसको कट करना पड़ेगा। एंड ये जो नीचे की साइड है यहाँ पर मैं इसको कटिंग कर दूँगी। Thank you.
तो अब सबसे पहले मैं जो मेरा मेन कपड़ा था उसका मैंने फ्रंट साइड ऊपर को रखा हुआ है, एंड देन दूसरे वाले का भी फ्रंट साइड मैंने उसकी तरफ को कर दिया है, मतलब दोनों फ्रंट साइड मैंने एक साइड को, उनका फेस एक साइड को कर दिया है, देन ये ऊपर से बैक साइड आ गई है उसकी। एंड इसी के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं निशान लगा हुआ है, यहीं पर ही मैंने स्टिचिंग करनी हुई है, जो मैंने चौक के निशान लगाए हुए हैं चारों तरफ से, यहीं पर ही मैंने इसमें स्टिचिंग करनी है। एंड ये जो नीचे की साइड है, ये जो कपड़ा रह गया है इसके ऊपर मैंने जो कपड़ा कट किया था अभी वो रख दिया है, इसको अच्छे से मैं एडजस्ट कर लूँगी उसके साथ, इक्वली एक दूसरे को आपस में इक्वल कर लेंगे ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो। एंड यहीं पर ही मैंने स्टिचिंग करनी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया, एंड इसके भी यहाँ पे साइड पे निशान है तो यहीं पर ही मैंने स्टिचिंग करनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं चारों तरफ इसमें स्टिचिंग कर दूँगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा कुशन कवर रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ अब, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से इसमें सिलाई कर ली है, इस तरीके से मैंने चारों तरफ से स्टिच कर लिया है, जहाँ पे भी मैंने निशान बनाए हुए थे चौक के, जो लाइन मैंने ड्रॉ करी थी उसी के ऊपर से मैंने इस तरीके से कर दिया है। एंड यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लॉक कर दिया था ताकि मेरा कपड़ा जो था वो निकलने वाला था, तो इसीलिए मैंने इस कपड़े को लॉक कर दिया था। अगर आपका कपड़ा निकलने वाला नहीं है तो आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है कपड़े को। तो ये इसका फ्रंट साइड है, तो इस तरीके से ये कुछ तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं ये बहुत प्यारा लग रहा है बनने के बाद। एंड ये इसका बैक साइड है, बैक साइड भी आप देख सकते हैं, तो ये इस तरीके से कुछ रेडी हुआ है। अब मैं आपको इसको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है इसका फाइनल लुक, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, एंड ये बनने के बाद बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर इसका जो प्रिंट है वो बहुत प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।